नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, हम वसई विरार शहर अंतर्गत निकलेंगे और एक बार आसमान में नजर करेंगे तो हमें तारों का जंजाल, वसई हमारा जो है पूरा तारों का जंजाल बनता जा रहा है। अब तारों के जंजाल से क्या नुकसान क्या फायदे, इसकी बात करें तो ये कितना घातक हो सकता है, ये तारों का जंजाल होना शहर के लिए कितना घातक हो सकता है, उसका थोड़ा सा अंदाजा मुझे आज लगा और उसी पर मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। तो दरअसल हम रोज जाते हैं शहर में, देखते हैं नई नई केबल का यहां से वहां केबलें बिछाई जाती है। ओवरहेड तार जो है वो काफी बढ़ चुके हैं इस समय। आप वसई के किसी भी क्षेत्र में जाइए, आपको महानगर पालिका के जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल है उसके ऊपर आपको बेतरतीब ढंग से बिछाई गई खींची गई केबल आपको दिखाई दे जाएगी। तो आज जो हुआ उसके बारे में बताऊं पहले, फिर इसके क्या फायदे और क्या नुकसान की बात करते हैं। तो आज दरअसल मैं शाम के समय निकल रहा था और मैंने देखा कि केबल टूटकर जमीन पर पड़ी हुई है और वहां से बाइक्स गाड़ियां आ रही जा रही। तब मुझे एकदम से एहसास हुआ, मैं भी अपनी बाइक पर था, मुझे एकदम से एहसास हुआ कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। उस केबल की वजह से बाइक स्किड हो सकती है, गिर सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। यह चीज मेरे आज जहन में आई। हालांकि केबलों को लेकर कई दिनों से मैंने महानगर पालिका में भी पहले सवाल किया था कि ये जो केबल है इसका क्या। अब बात करें इसके फायदे और नुकसान, तो जो अभी मैंने पहली चीज बताई नुकसान कि इस तरह से रोड पर केबल थी उससे एक्सीडेंट होने का डर बना हुआ है। और दूसरी बात, आप देखेंगे शहर में आपको केबलों का जंजाल मिलेगा, मैंने आगे ही कहा। अब केबल बिछाने के लिए या केबल ओवरहेड केबल डालने के लिए क्या कोई नियम कायदा कानून है, तो इसका खुद महानगर पालिका को नहीं मालूम। कुछ कंपनियां हैं जो अपनी केबल भूमिगत अंडरग्राउंड बिछाती है अपनी सिक्योरिटी के लिए, जिसमें एयरटेल है, जियो है, तो वो खोद काम करती है। वो खोद काम करने का बकायदा महानगर पालिका को टैक्स चुकाती है, वो भाड़ा चुकाती है जमीन का। लेकिन ये ओवरहेड केबल जिस किसी कंपनी की है, चाहे वो टीवी सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे वो ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर हो, VCPL हो सकता है, DNA हो सकता है, आशा नेट हो सकता है, और भी जो अपने क्षेत्र में जारी है सर्विस प्रोवाइडर, उनकी ये ओवरहेड केबल है। और किस तरह से ओवरहेड केबल, जैसे तारों की माला, हम कह सकते हैं कि माला को कैसे जोल जाल करके पूरा लगाया जाता है, उस तरह से इनको खींचा गया। ये कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। आते जाते रास्ते में अगर अचानक, ये तो रोड पर गिरी हुई थी, जब कोई बाइक सवार रोड से गुजर रहा है उस समय अचानक अगर उसके गले में फंस जाए, तब भी उस बाइक सवार की मौत की ये कारण बन सकती है। साथ ही साथ अक्सर बार बड़ी गाड़ियां, बड़े वाहन जब निकलते हैं तो ये केबलें टूट जाती है उस वाहन की। इन केबलों की ऊंचाई काफी कम है कई जगह पर इनको महानगर पालिका के जो विद्युत के खंभे उसके ऊपर डाला गया वहां बेतरतीब है, लेकिन ये हादसा होने का डर नहीं है। लेकिन कहीं पर ये रोड के क्रॉस में डाले गए, वहां पर जब गाड़ियां निकलती है बड़ी गाड़ियां, तो ये केबल टूट जाती। हम सभी जानते हैं कि उत्तरायण जो त्योहार है उसमें पतंगबाजी होती है और पतंगबाजी के समय मांझे की वजह से कई बार हादसे होते हैं। तो तब हम लोगों से अपील करते हैं कि आप पतंग मत उड़ाइए या मांझा जो है, आप मांझे वो पर्टिकुलर मांझा इस्तेमाल नहीं कीजिए जिसको तकलीफ पड़े। लेकिन ये केबल भी उतनी ही घातक है। ये अभी तक अच्छा है कि आज तक ऐसी कोई घटना केबल की वजह से सामने नहीं आई। और आप इस वीडियो में तस्वीर में देख सकते हैं, अमुक जगह ऐसा भी है कि केबल विद्युत पोल पे है, जहां विद्युत पोल के तार खुले हुए हैं और उनमें
करंट दौड़ रहा है, तो इन केबल में भी कभी अगर कट लगता है तो करंट दौड़ने की पूरी पूरी इसमें संभावना है। और अगर करंट दौड़ जाए तब इस केबल की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, शॉर्ट सर्किट लगकर आग लगना हो या रास्ते चलते करंट लगने से लोगों की मौत होना हो, इसका अंदाजा आज हम नहीं लगा सकते, सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन और उसका रास्ता क्या, इसकी बात करें तो मैंने महानगर पालिका में जब इस बारे में पूछा तो महानगर पालिका में कोई ऑन द रिकॉर्ड जवाब देने को तैयार नहीं है। वो बोलते हमारा विभाग नहीं है, हमसे संबंधित नहीं है और इसका कोई धोरण भी नहीं है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड की बात करें, जब चर्चा की बात करें, तो हर कोई बोलते हैं कि हाँ ये घातक है। हमने महानगर पालिका में वसेविरार महानगर पालिका मुख्यालय के बांधकाम विभाग से बात की, क्योंकि बांधकाम विभाग भूमिगत केबलों को परमिशन देता है, तो बांधकाम विभाग ने भी कहा कि बराबर है, भूमिगत केबलों को हम परमिशन देते हैं, उनसे हम टैक्स भी वसूल करते हैं, लेकिन इसका कोई धोरण नहीं, हमें नहीं मालूम। फिर बांधकाम विभाग के बाद में हमने विद्युत विभाग, जिसके पोल इस्तेमाल किए गए, उनसे बात की, तो विद्युत विभाग का यह कहना है कि ये जो केबल है वो केबल ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर की है, वो आईटी अंतर्गत आता है, और हमने आईटी को पत्र दिया आईटी डिपार्टमेंट को कि वो इसके बारे में जो कुछ निर्णय लेना है वो ले। साथ ही साथ उन्होंने प्रभाग के सहायक आयुक्त को भी ये पत्र भेजा हुआ है, उन्होंने ऐसा कहा, हालांकि वो पत्र हमें अभी तक मिला नहीं है, कि हमने पत्र भेजा है आपके प्रभाग में इल्लीगल तरीके से केबल बिछाई गई, उस पर अनधिकृत केबल होने के चलते आप दंडात्मक कार्रवाई कीजिए, उनको निकाल फेंकिए, ऐसा विद्युत विभाग का कहना है। इसके बाद तीसरा पक्ष आईटी डिपार्टमेंट के में हम गए, तब आईटी डिपार्टमेंट ने अपना पल्ला झाड़ते हुए बोलते हैं कि ये बांधकाम विभाग जो परमिशन देता है उनके अंडर आना चाहिए, यानी कि महानगर पालिका के एक विभाग से दूसरा विभाग सभी फुटबॉल की तरह यहां से वहां किक मार रहे हैं सिर्फ। लेकिन इस समस्या का हल क्या हो सकता है, इस पर कोई ठोस बात नहीं कर रहा। बात करें इससे महानगर पालिका को जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, वो नुकसान है अगर इस पर पॉलिसी होती और महानगर पालिका इन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से पैसा वसूल करती टैक्स का, तो महानगर पालिका के आवक में करोड़ों रुपए का फायदा हो सकता था। लेकिन क्या मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे पास कोई, मेरा सवाल है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ सवाल यह कर रहा हूं कि क्या कोई अंडर टेबल ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसलिए इन केबलों को खुली छूट दी गई है, इन सर्विस प्रोवाइडर लोगों और कंपनियों को खुली छूट केबल बिछाने की दी गई। ओवरहेड केबल है, जिस तरह से एक घातक है उससे, उसके अलावा शहर के की खूबसूरती को भी ये बिगाड़ रही है। आज आप शहर में जाएंगे तो आपको तारों का जंजाल दिखेगा, कहीं ना कहीं उससे शहर का हमारा जो खूबसूरती है वो काफी प्रभावित हो रही है। तो महानगर पालिका को चाहिए कि इसका धोरण बनाए, पॉलिसी बनाए, और एक तरफ अपने आने वाले टैक्स, अपना पैसा है, इनकम है, उसको बढ़ाए, तो दूसरी तरफ पब्लिक की जान को होने वाला धोखा है वो कम हो पाए। इन कंपनी को भी चाहिए, ये कंपनी कमाने के लिए बैठी हुई है और कमा रही है, उस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को चाहिए कि सेफ तरीके से अपनी केबल वो शहर में लगाए। हर एक को इंटरनेट की जरूरत है, हम ये नहीं बोलते कि इंटरनेट की केबलें नहीं होनी चाहिए, ब्रॉडबैंड केबल हो चाहे टीवी केबल हो, हर एक को, शहरवासी को आज के समय में जरूरी है, लेकिन उनको बिछाया जाना चाहिए सेफ तरीके से, ताकि भविष्य में कभी कोई जनहानि या नुकसान न हो। अच्छा, हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, खबर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से ही ये जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचेगा, और शायद हमारा किया हुआ एक आवाज, हमारी उठाई हुई आवाज जब एक मिशन बनेगी तो इस पर कोई ना कोई हल निकलेगा। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।